Dear students, I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss cube and cube root. So third part is cube. So first में हम लोग क्या discuss किए थे cube के बारे में. आज भी वही topic को clear करेंगे. Sum cube of decimals number और sum cube of trig. तो trig कहाँ से आता है? जो मैं उस दिन चर्चा किया था first part में कि आपका ये जो cube है a plus b the whole cube. आपने उससे चर्चा किया था ना ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू. तो इसके ये प्लस सिंबल को हटा करके इस कंडीशन में लिख करके यूनिट प्लेस वाले नंबर राइट किया गया और बाकी नंबर को इसमें ऐड करते चला गया और सबका यूनिट लिख लिख करके लास्ट में फुल नंबर को लिखा गया. इस टॉपिक को हम लोग क्लियर किए थे. अब इसी टॉपिक पे हम लोग डेसिमल वाले कंडीशन को भी क्यूब कर लेंगे. ठीक है करो. अब इसमें ट्रिक कहां से आता है? तो इसी बेसिस पे ट्रिक आता है. जैसे 23 का क्यूब हमें करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ये क्या है ए है, ये क्या है बी है. ठीक है, अब यहां पे 2 का क्यूब लिखेंगे 8, फिर 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू बी थ्री कितना आएगा देख लीजिए. 3 इंटू 4 होगा ना, 3 इंटू 4 इंटू 3 12 थ्री 36 ऐसे राइट कर लिए. यही ट्रिक भी इसी फॉर्मूले से आता है. और फिर लिखेंगे यहाँ पे देख लो, ये 3a 3 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 9 54 आएगा. और फिर बी क्यू, ये क्या है बी क्यू, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27. आप करो क्या, ये 7 राइट कर दिए 2 आ करके, इसमें क्या हो जाएगा सम हो जाएगा. फिर इसका 56, तो 56 का 6 लिख दिए, 56 होगा ना यहाँ, तो 6 लिख दिए, कैरी कितना हो जाएगा 5 आ करके इसमें सम हो जाएगा 41, 1 राइट कर दिए 4 आ गया, 4 आ करके इसमें सम हो जाएगा. अब टोटल लिख देना है कितना आ जाएगा 12. ये हो गया क्यूब ऑफ 23. ठीक इसी कंडीशन में आपको डेसिमल वाले नंबर, ये फिर से क्यों बताया डेसिमल वाले कंडीशन को समझाने के लिए. तो देखो बाबू, अगर अगर मुझे क्यूब निकालना हो, अगर मुझे क्यूब निकालना हो 2.3 का क्यूब करना हो, ओके, तब आप क्या राइट कर सकते, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3. ठीक है, अब जरा यहाँ डेसिमल काउंट कर लो 1, 2, 3. तो 23 का जो क्यूब आप निकाले थे, पहले डेसिमल को भूल जाओ, 23 का क्यूब ट्रिक से निकाल दो या फिर डायगनल मेथड से कॉली मेथड से निकाल करके और डेसिमल राइट साइड से 3 प्लेस छोड़ के दे दो. जैसे हम लोग इसका कितना क्यूब निकाले थे, निकाले थे ना जी 8, निकाले थे 12, 6, 7, 8 शायद निकाले थे हम लोग. नो, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से 8, 36, 54 और 27 निकाले थे, 7, 6, 1, ये निकाला गया था ये क्यूब. ये तो बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम कहाँ लगता. अब जरा देखो 1, 2, 3 थ्री डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है राइट साइड से 1, 2, 3. ये हो गया क्यूब ऑफ 2.3. या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 110 का क्यूब, इसे तो इस रूप में राइट किया जा सकता है. तो अब आप क्या लिख सकते हो 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10. फिर ये वही बात हुआ 12, 1, 6, 7 अपॉन, तो 3 डिजिट छोड़ करके क्या दे दो डेसिमल दे दो, आ जाएगा आंसर. या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो भी आएगा. तो इस कंडीशन में आज के लिए शॉर्ट वीडियो ही करते हैं डेसिमल वाले को. डेसिमल वाले में आप सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चन जो कि मैं दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें बहुत सारे टॉपिक दूंगा पियर्सन वाले बुक से जो कि आप करोगे. आपका होमवर्क रहा
क्यूब ऑफ, आई भी क्वेश्चन देते हैं, 3.4 सेकेंड, 9.2 थर्ड, 6.8 फोर, 9.9 फिफ्थ, 7.5 और ले लो 6, 7.2 सेवन, 8.5 एट, 3.3 नाइन, 2.9 टेन, 3.7 इतना का आप लोग क्यूब करके आज होमवर्क में डालोगे। बाय माय डियर स्टूडेंट।